नमस्कार कुसुम टीवी खबर आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत प्रथम जीवा मुख्य खबर तीन दफा दाबी ने भद्रक जिला कांग्रेस पक्षर सांबादिक सम्मेलन वर्तमान जीवा संपूर्ण खबर को तीन दफा दाबी नहीं भद्रक जिला कांग्रेस पक्षर सांबादिक सम्मेलन दस दिन मध्य दाबी पूरण न हेले लोकों हक राजरास्ता को उल्लैबे दल पक्ष चरम चेतावनी दि जा जातीय राजपथ अधिकारी खामुखियाली मनोभाव बन्या परिस्थिति मुकाबिला करने जिला प्रशासन विफल एवं अपराधी मानू जिला पुलिस परोक्ष प्रोत्साहित अभियोग कांग्रेस खबर अनुजाई भद्रक जिला दे जाइथिबा 16 नंबर जातीय राजपथर संप्रसारण समय एहा एक प्रकार मरण जनता पलटि गला तेणु जातीय राजपथ अधिकारी बेपरुआ मनोभाव जो तीन वर्ष मध्य पखापाखि 500 जन मृत्युमुख से पड़े दल पक्ष अभियोग तेणु तुरंत एने विभाग अधिकारी पदक्षेप ग्रहण करने दल पक्ष दाबी करसह चलित बैतरणी नदी बनारे भंडारी पोखरी धामनगर तिहिड़ी चांदवाली ब्लॉक रे बहु लोक एवं हेक्टर हेक्टर चाष जमी प्रभावित होती तेबे एही पन्या परिस्थिति मुकाबिला करिबा पाई प्रशासन संपूर्ण भावे विफल होइछि बोली दल पक्षरु अभियोग करा जिबा सह बन्या विपन्न को तुरंत सहायता प्रदान करिबा पाई दाबी करा जाइछि। अन्य पक्ष रे संगीता मोटर्स कर्मचारी आत्महत्या घटनार मुख्य अभियुक्त को अद्यावधि गिरफ करिबा रे जिला पुलिस काहीकि विफल होइछि बोली प्रश्न करिछि दल तेबे एही तीन दफा दाबी आगामी 10 दिन मध्य रे पूर्ण न हेले बाध्य होई राजरास्ता अवरोध करा बोली कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता सत्य प्रकाश नायक और जिला कांग्रेस कार्यकारी सभापति नलिनी महांति एक सांबादिक सम्मेलन माध्यम रे सूचना पाखरे खबर पहुंचबा प्रशासन यहाँ पर कार्यानुष्ठान प्रथम कथा हला जे वर्षाधिक काल भद्रक आखुआपदा ठारु राणीताल देखी जो जातीय राजपथ जा ये संप्रसारण कार्य लगुच कि केवे भी सर असरती कार्य ये लगातार चलती टिके खोली दूसरे टिके छाड़ दूसरे किंतु टोल गेट आदाय बराबर रही नियम कहूँ सरला टोल आदाय करा तेणु से प्रसंग को जाऊना घटी लोकंर एवं 851 जन लोक गुरुतर भाव आहत होती जो ये पूरा कार्यक्रम जो ये पूरा जो कार्यटी दुर्भाग्यपूर्ण करूँ तो से बनाया पर हम किंतु पॉलीथिन आउ अन्यान्य जो रिलीफ सामग्री तुरंत बांटतु ये चूड़ा आउ टे मुढ़ी देखे कि आप लोक आभली अपमानित करूँ ना ये परिस्थिति रे पूरा खरा तले वर्षा आसुची परिस्थिति सात दिन बीतीगला आज पर्यटन लोक बंची किमी से कथा भी प्रशासन बुझी जिलापाल महोदय पीच रास्ता तलू गढ़ी ना पीच रास्ता उपर छिड़ा हो फटो उठे कि बना समस्या बुझुं आज सबुआड़े खबरकगज कौन आपण मान जरिया सब देखा कि प्रकृत समस्या साधारण लोकों पाखे प्रशासन पहुँची ना ये है गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ जो डीपीसीएल जो एनएचआई कम करएचआई जरिया जो डीपीसीएल कम करमर जनाल बोली गोटे नई आखुआपदा पाखु एपर्तंत भद्रक पास कला पर्यटन चाषी मान गोटे बंधु भाव से कम कर नाटा तीनोटी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को लेकिन आज भद्रक जिला कांग्रेस और भद्रक निर्वाचन मंडल पक्षर सांबादिक सम्मेलन आम डाकिचु प्रथम कथा है कि विगत 3.5 वर्ष भितर नेशनल हाईवे अथॉरिटी खामखियाली नीति जो जो आखुआपदा ठार राणीताल जो भद्रक भितर जो एनएच जा सेठी सुरक्षा पदक्षेप नि दृष्टि संप्रसारण काल में पखापाखि 1000 दुर्घटन 468 जन लोकों प्राणहानि घटी एथिपाई आम सीधा सड़क एनएचआई को ही दोषी भावुचु आम चेतावनी दूचु कि विगत आगामी 10 दिन भितर जहाँ जहाँ सुरक्षा संबंधित गाइडलाइन रही रास्ता संप्रसारण समय ताकि मानिकी से ही अनुसार कार्य न कर एनएचआई आ तार जी एठिकार कंट्राक्टर अच्छा आम बाध्य हबु नेशनल हाईवे को अवरोध करने कि बाबदे कि शह शह लोकंर जीवन रक्षण ये चलती द्वितीय गुरुत्वपूर्ण प्रसंग है कि जो बन्या
ଭଦ୍ରକ ର ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ତିହିଡ଼ି ଧାମନଗର ଏହି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁଳ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ହେଇପାରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଃଖ ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ ବୋଧହୁଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବହେଳା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ପଲିଥିନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା କଥା ବଣ୍ଟାଯାଉ ଲୋକମାନେ ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି ତିନି ଦଫା ଦାବିରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲିଟିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟା ଯୋଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଇଛି ତୃତୀୟରେ ତିନି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଗୀତା ମଟର ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ମଦ ଆଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଆଗାମୀ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ଗିରଫ କରା ନଯାଏ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୟର ନବୀକରଣ ନ କରାଯାଏ ଆରଟିଓର ନିୟମ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଠିକ ନ କରାଯାଏ ଆଉ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ଓହ୍ଲାଇବ ଓ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର